कश्मीर में हुआ आतंकी हमला लगातार सुर्खियों में है और कई सवाल भी उठा रहा है। जहां सुरक्षा की कस्में खाई जा रही थी वहां आतंकी हमला हुआ, जहां विकास की बयार बताई जा रही थी वहां पर हमला होता है। इस आतंकी हमले की लाइव लोकेशन क्या क्या वहां पर हुआ है दिखाने आप में जा रहा हूं। उसके पहले मैं दिखाता हूं आपको कि इस टेरर अटैक में मारे गए लोगों की पहचान। पहला नाम डॉक्टर शाहनवाज, शाहनवाज कश्मीर के रहने वाले थे, एक डॉक्टर थे। दूसरा नाम शशि अबरोल जो जम्मू के रहने वाले थे और आतंकी हमले में इनकी मौत हुई। शशि इस प्रोजेक्ट के डिजाइनर थे। आतंक के तीसरे शिकार बने अनिल शुक्ला जो मैकेनिकल इंजीनियर थे। चौथे शिकार मोहम्मद हनीफ, पांचवें शिकार कलीम और ये दोनों प्रोजेक्ट से जुड़ी कंपनी में कर्मचारी थे, बिहार के रहने वाले। आतंकी हमले के छठे शिकार थे फहीम नसीर जो एक सेफ्टी मैनेजर थे और इस हमले में सातवीं मौत होती है गुरमीत सिंह की। गुरमीत सिंह रिगिंग मशीन ऑपरेटर थे। इस हमले में पहले तर्क यह दिया गया कि हमला कश्मीरियों पर किया गया जो गैर कश्मीरियों पर हुआ, लेकिन हमले में कश्मीरी भी मारे गए। और इस हमले की प्लानिंग और एग्जीक्यूशन के सबूत मैं दिखाऊं उसके पहले ये जानिए कि इस प्रोजेक्ट पर प्राइवेट सिक्योरिटी थी जिसके पास आधुनिक हथियार थे और इसे एक सोफिस्टिकेटेड सिक्योरिटी माना जाता है। बावजूद इसके आतंकी न सिर्फ हमला करने में कामयाब हुए बल्कि वहां से भागने में भी कामयाब हुए। लेकिन इस हाई सिक्योरिटी प्रोजेक्ट में आतंकी घुसे कैसे, हमला वहां कैसे किया और फरार कैसे हुए, इस रिपोर्ट में उत्तर देखिए। गगनगीर हमले की खबर मिलते ही सेना के अधिकारियों से लेकर जम्मू कश्मीर पुलिस और प्रशासन के सीनियर ऑफिसर रात के अंधेरे में गगनगीर पहुंचे। सुबह रोशनी की पहली किरण आई तो इलाके में चारों ओर बंदूक का पहरा नजर आया। हर आती जाती गाड़ी को रोककर उसकी चेकिंग की जाने लगी और अभी से यहाँ आप देख सकते हैं जगह जगह तलाशी अभियान चल रहा है, हर गाड़ी की तलाशी कर रहे हैं। जब जी मीडिया रिपोर्टर खालिद हुसैन मौके पर पहुंचे तो सबसे पहले सामने आया वो कैंप जहां आतंकियों ने हमला किया। कैंप की मेन एंट्री के बाहर सीआरपीएफ की तैनाती, लेकिन कैंप की पिछली दीवार गांव से सटी है और कैंप और गांव के बीच सिर्फ फाइबर की एक दीवार, और इसी वजह से शक ये क्या गांव से सटी दीवार के जरिए आतंकी कैंप के अंदर घुसे, क्या आतंकियों ने कैंप के अंदर घुसकर ही फायरिंग की और क्या फायरिंग के बाद मची खलबली का फायदा उठाकर आतंकी गांव के रास्ते वापस भाग गए। सुरक्षा एजेंसीज की तरफ से हमले की पूरी डिटेल साझा नहीं हुई, लेकिन जब जी न्यूज के रिपोर्टर्स ने अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ाया तो सामने आया सोनमर्ग और गांदरबल का इतिहास। आज से कई साल पहले तक यहां आतंकी गतिविधियां होती थी, जब कश्मीर में आतंक चरम पर था। आतंकी गुरेज से घुसपैठ करते थे, गुरेज से वो गांदरबल आते थे और यहां से दक्षिण कश्मीर की तरफ बढ़ते थे। आतंकी अपने रास्ते को सुरक्षित रखने के लिए गांदरबल या सोनमर्ग में हमले नहीं करते थे, लेकिन अब आतंकियों का पैटर्न बदला। यह हमला टारगेटेड के लिए नजर नहीं आता। इस हमले को देखकर लगता है कि जो भी सामने आया आतंकियों ने उसको भून दिया और इसी वजह से स्थानीय लोग डरे हैं। हम यहीं पे रहते हैं सर, गगनगीर में कल जो हमला हुआ यहाँ पे, यहाँ सामने हुआ है, ऐसा हम जिंदगी में पहली बार देखा, कभी देखा ही नहीं। 370 हटने के बाद कश्मीर में सबसे बड़ा आतंकी हमला, ये बताता है कि पाकिस्तान में बैठे आतंकी संगठन कश्मीर के तरक्की और लोकतंत्र की वापसी को किसी भी कीमत पर चोट पहुंचाना चाहते हैं। कल से ही सुरक्षा बल यहाँ चाक चौबंद है, सेना सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस, एसएसजी, इवन एनआईए को भी इसमें अब इन्वॉल्व किया गया है और कोशिश ये है कि इस पूरे इलाके को घेरे में रखकर उन हमलावरों तक पहुंचा जाए और उन्हें न्यूट्रलाइज किया जाए। कैमरा पर्सन सैफा मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, गांदरबल। गगनगीर में सुरंग के नजदीक इस कारना हमले की जिम्मेदारी टीआरएफ ने ली है। अब मैं आपको डीएनए इन्वेस्टिगेशन में इस टीआरएफ की पूरी टारगेट कुंडली दिखाने जा रहा हूं। टीआरएफ का पूरा नाम द रेजिस्टेंस फोर्स, टीआरएफ हाफिज सईद के आतंकी संगठन लश्कर तैयबा का एक ऑफशूट है। बताया जाता है कि टीआरएफ के आतंकी श्रीनगर और अनंतनाग जैसे जिलों में हैं। इनके हैंडलर हैं अबू हुरैरा और सज्जाद गुल। ये दोनों आतंकी हैंडलर फिलहाल पीओके में छिपे हैं, पीओके में टेरर हैंडलर और कश्मीर में आतंकी हमला। हमारी तफ्तीश से दोनों पहलू डिकोड हुए और साबित हो गया कि इस हमले के पीछे भी पाकिस्तान का हाथ है।
लेकिन पाकिस्तान और उसके मोहरे यानी आतंकी इस गलतफहमी में ना रहे कि वो कश्मीर में आतंक का पुराना दौर वापस ले आएंगे, क्योंकि अब कश्मीर में आतंक से निपटने के लिए पूरी खुली छूट दे दी गई। सुरक्षा बलों को पूरी आजादी दी गई और मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द ही जिन लोगों ने इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना को अंजाम दिया है केवल उसकी निंदा नहीं बल्कि उनको उनके मुकाम तक पहुंचाया जाए, ये जरूर जम्मू कश्मीर पुलिस करेगी। ये है वो ऐलान जो गगनगीर आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की जुबान से निकला। खुली छूट का संकेत बताने के लिए काफी है कि अब जम्मू कश्मीर में आतंक को कुचलने के लिए सुरक्षा बल रुकने वाले नहीं हैं। साल 2016 से 2018 के बीच कश्मीर में बड़े एंटी टेरर ऑपरेशंस चलाए गए। बुरहान वानी, अबू दुजाना, समीर टाइगर, रियाज नायकू और साकिर मूसा जैसे खतरनाक आतंकियों का काम तमाम कर दिया गया। अनुच्छेद 370 हटने के बाद कश्मीर की फिजा में अमन और तरक्की लौटी। गगनगीर टेरर अटैक के पीओके कनेक्शन से ये साबित हो गया है। कश्मीर में अब आतंक पाकिस्तान से ही एक्सपोर्ट किया जा रहा है और इसी वजह से फारूख अब्दुल्ला ने भी पाकिस्तान प्रायोजित आतंक को दो टूक जवाब दे दिया है। कई सालों से हम ये देख रहे हैं क्यों आ रहे हैं वहां से और हम कोशिश कर रहे हैं कि ये मामला खत्म हो और हम लोग आगे बढ़े, हम लोग मुश्किलों से निकल सकें। मैं पाकिस्तान के हुक्मरानों से ये कहना चाहता हूँ, अगर वो सचमुच हिंदुस्तान से दोस्ती चाहते हैं तो फिर ये बंद कीजिए। कश्मीर पाकिस्तान नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। 47 से आपने शुरू किया, कबाली भेजे, बेगुनाहों को मरवाया, क्या पाकिस्तान बना? जब ये 75 साल में पाकिस्तान नहीं बना, आज कैसे बनेगा? पाकिस्तान क्या करता, ये क्या करता? जो फारूख अब्दुल्ला कल तक पाकिस्तान से बातचीत की वकालत करते थे, आज उनकी जुबान पर पाकिस्तान और 1947 का कबाइली हमला है। ये बदलाव साफ साफ बताते हैं कि अब ना तो कश्मीर के नेताओं और ना ही कश्मीर की आवाम को दहशतगर्दी कबूल है। गांदरबल से खालिद हुसैन की रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।